भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु की स्थापना आगरा में सितंबर 2018 में हिंदी पखवाड़े के समय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहले हिंदी कवि के सम्मेलन से हुई थी। इस सेतु का उद्देश्य भारतीय व प्रवासी हिंदी लेखक जो भारत व विदेश की साहित्यिक यात्रा करते रहते हैं और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगे व्यक्तियों से मिलते हैं, उन सभी को एक मंच पर लाकर हिंदी विमर्श व गोष्ठियों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना है, जिससे कि भारत व प्रवासी साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे से हिंदी सामंजस्य स्थापित हो सके। भाषा संस्कार से पनपती है, लेकिन भाषा का विकास उस देश की सामाजिक संस्कृति के आधार पर होता है। हिंदी भाषा का भविष्य उज्ज्वल है, मगर इसे राजनीति से बचाना होगा। कुछ इन्हीं विचारों के साथ हिंदी के उन्नयन पर चर्चा का मौका था भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु आगरा के बैनर तले आयोजित गोष्ठी का। इसमें हिंदी साहित्य एवं भाषा की अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर उपाध्यता एवं भविष्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि गोपाल भगेल ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे विश्व में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा और साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है, मगर उसे राजनीति का शिकार होने से बचाना होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के महासचिव प्रवीण गुप्ता और सचिव विनय गुप्ता। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर भगवान शर्मा ने की। इस दौरान चर्चा परिचर्चा एवं प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया। सभी ने स्वीकार किया कि भाषा को राष्ट्रीयता संस्कार विकसित किया जा सकता है। बैकुंठी देवी की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नीलम भटनागर, डॉक्टर राजेंद्र मिलन तथा आर एस तिवारी, डॉक्टर अशोक विज आदि ने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर मधु भारद्वाज, सीमा खंडेलवाल, राजीव खंडेलवाल, अंजू शर्मा, नवीन चतुर्वेदी, रमा वर्मा, दुर्ग विजय सिंह, शशि गुप्ता ने काव्य पाठ किया। प्रोफेसर प्रमिला चावला, प्रेम चावला, कांति शर्मा एवं रवि रेला की सहभागिता सराहनीय रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिखरेश और धन्यवाद ज्ञापन सिविल सोसाइटी आगरा के सचिव अनिल शर्मा ने किया।